Hi students, welcome to all of you. Today we are going to learn a very important topic. As you have seen the thumbnail, जैसे कि आपने thumbnail पे देखा होगा तो आपको वहाँ पे information मिली होगी कि आज हम देखने वाले हैं कि practice with the change the voice. Change the voice हमने video जरूर देखा था और उसमें बहुत सारी learn भी किया था और किस तरह से change the voice होते हैं, कौन से 5 rules उसमें apply करने होते हैं, 5 rule होते हैं जो हम apply करते हैं और change the voice बना सकते हैं. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन में देखी थी, आज हम उसके से प्रैक्टिस से देखने वाले हैं कि किस तरह से उसको चेंज किया जा सकता है, किस तरह से उसे अप्लाई किया जा सकता है. तो चलिए देखते हैं. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो एंड दिस वन. तो ये टॉपिक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और मुझे लगता है कि आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू मस्ट लुक एट दिस, यू मस्ट सी दिस एंड यू मस्ट लर्न फ्रॉम दिस ऑल द थिंग्स एंड डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल टू यू एंड एन्जॉयबल ऑल्सो द वीडियो. Like the video and subscribe even that. Change the voice, the practice. And how to do this. तो चलिए एक के बाद एक शीट देखते हैं कि लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको शीट बना के दिए थे, तो हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और शीट बना के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले शीट नंबर 1 पर जाएंगे और शीट नंबर 1 में हम देखेंगे एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है. वी मे आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी मे आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चन, तो इसका हमें पैसिव में करना है. तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले ये चीज़ हमें पता चलनी चाहिए कि ये सेंटेंस किस टाइप का है और हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, किस टाइप का ये लिखा हुआ है. तो ये सारी चीज़ें हमें अगर पता चलती है तो हम उसको पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले पार्ट हम करेंगे उसका, वी जो है उसका सब्जेक्ट है, मे मॉडल ऑक्सिलरी है, आस्क यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी मेन वर्ब है, और हिम यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, देन अ फ्यू क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो इसमें हम पहले ही, ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो हम पहले उसे ले लेंगे. ही मे बी आस्क्ड. ओके, यहाँ पे हम मे का जो है वहाँ पे सिर्फ बी लगाते हैं. जब भी हम हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी आती है तो उसमें बी लगा के उसको अप्लाई करते हैं और V3 जो है, जो वर्ब है उसका V3 बनाते हैं. तो दैट विल बी लाइक दिस, फ्यू क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, आस्क्ड यहाँ पे आस्क आएगा टू हिम बाय मी. ओके, तो यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हमने लिया, और हिम जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है वहाँ पे, तो उसे हमने नहीं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आस्क, तो क्वेश्चन के रिलेटेड है, इसलिए वहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस को हमने पहले लिया. और फ्यू क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड टू हिम बाय मी और बाय अस, यहाँ पे बाय अस आएगा, वी का हो जाएगा अस. दूसरा हम सेंटेंस देखेंगे, आई कैन मैनेज अ मोटर कार. अब यहाँ पे सेम है, हेल्पिंग वर्ब है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है मोटर कार है, सीधी सीधी अ मोटर कार कैन बी मैनेज्ड बाय मी, इस तरह से वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा. तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ कैन को बी लगाया, कैन बी, और मैनेज का मैनेज किया और बाय मी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, यू मस्ट हैव इंक्वायर्ड द वे. यू मस्ट हैव, यहाँ मस्ट हैव ये वापस से एक बार हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी है, तो उसको हम इस तरह से करेंगे कि मस्ट हैव को मस्ट बी हैव ये करेंगे, इंक्वायर्ड जैसा वैसा, द वे मस्ट बी हैव इंक्वायर्ड बाय यू, द वे मस्ट बीन इंक्वायर्ड बाय यू. तो इस तरह से उनको चेंज करेंगे. देन वॉट आर यू डूइंग, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधे सीधे, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा है कि वॉट आर यू डूइंग, तो सिंपल सेंटेंस क्या है, यू आर डूइंग, ये सिंपल है. तो यू आर डूइंग का हम करेंगे कि यू आर बींग डन, ये होगा यू आर बींग डन. अब वॉट जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, वॉट मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग द ऑब्जेक्ट, कि जिसके लिए एक्शन हो रही है, क्या कर रहा है तो क्या पता नहीं हमें, तो क्या वैसा का वैसा रहेगा, वॉट आर बींग डन बाय यू, इस तरह से हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे. नेक्स्ट वन इज देयर, हु हैड टेकन माई बाइक. तो मैं सबको एक सजेशन दूंगा कि खुद आप एक सेंटेंस अपने जो है पहले बना के रखिए, आंसर का वेट मत कीजिए. वेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन समथिंग, तो तब तक आप अपना आंसर बना के रखिए, शायद आपका सही हो जाए और मे बी पॉसिबल कुछ हो गए. तो इसमें अगर कुछ रहेगा, आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं, कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइए प्लीज़. Who had taken my bike? अब यहाँ पे my bike is object, taken ये verb है, helping main verb है, had helping verb है,
तो हैड जैसा वैसा रहेगा। जैसे पता चलता है, हमें एक रूल हमने पता किया है कि हैड टेकन अगर होता है तो वहाँ बीन लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने क्या किया, माय बाइक हैड बीन टेकन बाय हुम, इस तरह से होगा। लेकिन हुम जो है वो इस तरह से आ जाएगा, वो हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हु इस तरह से होगा। तो हुम हैड बीन टेकन माय बाइक बाय, वो लास्ट में बाय आता है। अब ये शुरुआत को भी हम ले सकते हैं, बाय हुम भी हो सकता है, लेकिन बाय को आगे नहीं लगाते, डब्ल्यू एच वर्ड के आगे नहीं लगाते, वो बाय लास्ट में जाता है इस तरह से। तो हुम हैड माय बाइक बीन टेकन बाय, तो बाय आप यहाँ पे भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कि बाय हुम हैड माय बाइक बीन टेकन, तो ये तरह से भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय को लास्ट में लेना चाहिए, रूल्स होता है। नेक्स्ट शीट इज़ देयर, दूसरा शीट है, और उसमें हम करेंगे ही इज़ ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट, द रिपोर्ट, ये एक्टिव का सेंटेंस है, ही इज़ ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट। अब द रिपोर्ट इज़ बीइंग ड्राफ्टिंग बाय हिम, तो इसमें रिपोर्ट को हम वर्ब सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे, फिर इज़ जो है वैसा का वैसा होगा, आई एन जी को निकाल के उसकी जगह बीन यूज़ करते हैं। अगर एम इज़ आर वॉज वेयर कुछ भी होता है तो वहाँ पर हमें बीइंग यूज़ करना होता है और ड्राफ्ट को ई डी लगाना होता है, ये दूसरा रूल हमने पढ़ा था, और वही करेंगे। द रिपोर्ट इज बींग ड्राफ्टेड बाय हिम, इस तरह से वो सेंटेंस हम बनाएंगे पैसिव सेंटेंस में। नेक्स्ट वन इज द मैसन्स आर बिल्डिंग द हाउस, मैसन्स आर बिल्डिंग द हाउस, द सेम टाइप का है तो वैसे का वैसा आएगा। द हाउस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग सीधा सीधा हाउस से रेफर करता है तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड मैसन ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का हो जाएगा ऑब्जेक्ट। सेम अगेन द हाउस इज, अब यहाँ पे आर का इज हो जाएगा, मैसन्स ये प्लूरल फॉर्म है तो आर यूज़ किया है, हाउस ये सिंगुलर फॉर्म है तो सिंगुलर ही वर्ड यूज़ करेंगे। इसी तरह से द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय मैसन्स। देन किरण इज रीडिंग, सॉरी इज किरण रीडिंग इंग्लिश, तो वैसे ही होगा, किरण इज रीडिंग इंग्लिश, तो सिर्फ इज की जगह पे इज वैसा का वैसा ही रहेगा, इज किरण बींग रीड इंग्लिश, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा चेंज होगा, किरण के सॉरी इज इंग्लिश बींग रीड बाय किरण, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यहाँ पे किरण की जगह पे इंग्लिश आएगा और इंग्लिश की जगह पे किरण जाएगा, रीड जो है रीडिंग जो है उसका रेड हो जाएगा और बींग आ जाएगा, इज वैसा वैसा ही रहेगा, सेम इट इज़ Is English being read by Kiran? ये पैसिव आ जाएगा। आपको एक ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहीं चेंज नहीं होते, वैसे के वैसे रहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बीच में चेंज होता है। इट्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। हैड नैना गिवन माई बुक, अब यहाँ पे क्या है कि नैना हैड गिवन माई बुक, ये सेंटेंस है और उसका हमने वर्बल क्वेश्चन बना के रखा है, एसनो टाइप क्वेश्चन बनाए कि हैड नैना गिवन माई बुक, येस और नो उसका है, तो हैड की जगह हैड ही रहेगा, हैड बदलेगा नहीं, हैड वैसा ही रहेगा, सिर्फ क्या होगा कि नैना की जगह में माई बुक जाएगा और माई बुक की जगह पे नैना आ जाएगी, ओके, उनका अल्टरनेट हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा कि हैड नैना बीन आएगा और गिवन होगा। तो अगर वी थ्री अगर हैड के होता है तो बीन वैसा का वैसा रहता है, तो इसलिए बीन बीच में आएगा, माई बुक एंड गिवन के बीच में आएगा बीन, और वैसा का वैसा सेंटेंस सेम, हैड माई बुक बीन गिवन बाय नैना, ये सिंपल सा रूल हमें याद करना है। तो ऐसे अगर आप ध्यान देते हो तो आपको चेंज द वॉइस बहुत ही सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं तो उनको बड़ा ये डिफिकल्ट टॉपिक लगता है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए द सेम क्वेश्चन इज गिवन दैट, आर यू आस्किंग क्वेश्चन, आर यू आस्किंग क्वेश्चन मीन्स व्हाट, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, तो आर की जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन एक ही है तो इसलिए इज वहाँ पे आ जाएगा, इज क्वेश्चन बींग, तो यहाँ आई एन जी निकाल के बींग हम लगाते हैं। देखिए ध्यान रखिए कि यहाँ से जो हमें रीड को रेड बनाना होता है, ठीक है, तो ये आई एन जी फॉर्म हम यू वेस्ट नहीं करते, इसलिए उसको बी के साथ लगा के बींग रखते हैं जैसा कहते हैं ऐसा, और रेड का थर्ड फॉर्म यहाँ पे कर देते हैं, यही एक चेंज होता है, वो आपको ध्यान लेना पड़ेगा। ये बींग क्यों आया, क्योंकि यहाँ से आई एन जी निकाल के हमने इसके साथ लगाया, ठीक है, इज के बाद आई एन जी होता है, ये फॉर्म हम यूज़ करते हैं, इसलिए उसको आई एन जी ही लगा दिया एंड ड्राफ्टेड बना के रख दिया, सब में ऐसे ही लगेगा। द सेम इट इज़ देयर, आर यू आस्किंग क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा,
कि यू आर आस्किंग क्वेश्चन, ये सेंटेंस था, इसमें हमने क्या किया कि आर जो है आर की जगह पे इज लिया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है, जो सब्जेक्ट होने वाला क्वेश्चन वो सिंगुलर है, तो इसलिए इज क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय यू वैसा होगा, इज क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय यू, तो ये आपको ध्यान में रखना है, यू मस्ट हैव टू कन्फर्म दिस ऑल दिस थिंग्स. द नेक्स्ट थर्ड शीट इज देयर, अशोक हैज रिटन दिस लेटर. नाउ सी हियर, अशोक इज अ सब्जेक्ट और रिटन इज अ V3 फॉर्म एंड इट इज अ सिंपल, इट इज परफेक्ट प्रेजेंट टेंस. ये आपको पहले समझना है कि सबसे पहले कोई भी ग्रामेटिकल जो सेंटेंस आपको बदलना होगा तो इसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. फर्स्ट थिंग कि वो उसका टेंस क्या है, ये आप पहले जान लीजिए. दूसरी चीज़ उसमें करना क्या है, ओके. तीसरी चीज़ किस में चेंज करना है, ठीक है, किस में चेंज करना है और वो सेंटेंस को क्या करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. ये तीन चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो यू मस्ट क्लियर दिस ऑल द थिंग्स. ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहला उसका टेंस ढूंढिए, दूसरी चीज़ उसमें करना क्या है ढूंढिए, और किस में चेंज करना है ये ढूंढिए. तो अभी इसमें क्या है कि फर्स्ट में हमने पता चल गया कि इसमें परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है. दूसरी चीज़ इसको हमें एक्टिव पैसिव में चेंज करना है, तो क्या चेंज करना है कि सब्जेक्ट को वर्ब बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो अशोक को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया और दिस लेटर को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो वही है. और रहा बची जो बात है वो हैज़ रिटन के बीच में, तो हैज़ रिटन को हम क्या करते हैं, हैज़ बीन रिटन बनाते हैं, तो वही है, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय अशोक. सिंपल हो गया, वही होगा, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाय अशोक. सिर्फ बाय लगाते हैं हम सब्जेक्ट को, क्योंकि उसने लिखा है, करने वाला वो है, ठीक है. और पूरे पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में और डिटेल जो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी उसमें दे चुका हूँ. सीता हैड सेंट पार्सल. अब इसमें क्या है कि सीता सब्जेक्ट है, पार्सल ऑब्जेक्ट है, तो उस पार्सल को इधर लाना है, सीता को उधर भेजना है, ठीक है, उधर मीन्स ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो हैड सेंट का हो जाएगा हैड बीन सेंट, तो ये अ पार्सल हैड बीन सेंट बाय सीता. इस तरह से हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे. He has scored 20 runs. अब यहाँ पर 20 runs, ध्यान दीजिए कि 20 runs is a plural form. He is a subject. Scored ये उसका main verb है and has is a helping verb. तो वही करेंगे, 20 runs has been scored by him. Have been scored by him. तो ये plural form हमें ध्यान में रखना होता है. The next one is they played cricket. दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट इधर और हैड इधर. अब ये सिंपल टेंस है, सिंपल पास टेंस है, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होता है. हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो उसको हम वॉज और वर, ये दोनों में से एक लेना होता है. अब वॉज लेना है कि वर लेना है, ये कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन अस, ओके. तो यू हैव टू टेक अ वॉज, वाई, बिकॉज द क्रिकेट इज अ सिंगुलर वन. इफ़ सपोज योर सब्जेक्ट इज दे, देन यू हैव टू टेक अ वर्ब बिकॉज इट्स अ प्लूरल. तो क्रिकेट हमारा प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे लेंगे वॉज, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम. इस तरह से आपको उसको चेंज करना है. द नेक्स्ट वन इज नयन वॉज आस्किंग मी मैनी क्वेश्चंस. अब यहाँ पे मैनी क्वेश्चंस है, ओके, और मी ये एक ऑब्जेक्ट है. तो आप यहाँ पे दो चीज़ें बना सकते हो, एक तो आपको मेनी क्वेश्चंस ये सब्जेक्ट बनाना है, ये डायरेक्ट सब्जेक्ट आस्किंग, ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन है और ये पूछा है आपने, क्वेश्चन से रिलेटेड आस्किंग जो वर्ड है वो क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मेनी क्वेश्चंस ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही वहाँ पे लेना होता है. मे बी मेनी क्वेश्चंस वेयर आस्क बीइंग आस्क टू मी बाय नयन, ओके. तो ये आपको सीधा सीधा यूज़ करना होता है. अब ये सेंटेंस में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्वेश्चन से आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए आपने वॉज का वर्ब बनाया, ठीक है. आस्किंग है तो इसके लिए बीइंग यूज़ किया, आस्ट हो गया V3 फॉर्म में. अब यहाँ पे जो लिखा है टू मी, ये टू मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिलेटेड विद द क्वेश्चन, ओके. अब ये बाय नयन टू मी भी हो सकता है या फिर टू मी बाय नयन ये भी हो सकता है. मतलब क्या है, आस्क के बाद डायरेक्ट आप बाय नयन भी लिख सकते हो, टू मी ये भी आ जाएगा, या फिर टू मी बाय नयन, ये दोनों आपको हो सकते हैं. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, देखिए इससे आज के पहले जो पूरा पार्ट है वहाँ पे कहीं गलती मत कीजिएगा. लास्ट का शीट जो है वो हम देखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे करने हैं. अब तो हमने देख लिया कि ऊपर कैसे चढ़ना, लेकिन नीचे भी तो चढ़ना पड़ेगा, नीचे भी तो उतरना पड़ेगा.
एक्टिव से पैसिव कर लिया, लेकिन पैसिव से एक्टिव कैसे करने हैं वो भी हमें सीखना पड़ेगा। तो पहला वही हम देखते हैं फोर्थ शीट में, पैसिव है द जार इज फिल्ड विथ सैंड, इसको हमने रिटर्न लाना है। अब इसमें हमने क्या किया है कि इज फिल्ड होने की वजह से यहाँ पे बीइंग नहीं है। अगर बीइंग होता तो ये कंटिन्यूअस टेन होता, लेकिन यहाँ पे वो समझ लीजिए कि इज फील्ड है तो मींस इट वाज बिफोर, एक्टिव में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, यही हमें ध्यान रखना है। तो जार ये उधर चला जाएगा और सैंड इधर आ जाएगा, ठीक है। अब विथ हमने सिर्फ लगाया है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसे लगाया तो सैंड ही डायरेक्ट आएगा, सैंड फील्स द जार, यही हम सेंटेंस बनाएंगे, फील्स द जार, क्योंकि फील्ड का इज फील्ड का हो जाएगा फील्स ओनली और सैंड का विथ सैंड नहीं होगा, विथ से बाद में हमने लगाया था बाय की तरह, बाय सैंड भी लगाते हैं विथ सैंड भी लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर, रीडिंग इज बीइंग एंजॉयड बाय मैरी। अब यहाँ पे मैरी इज, अब यहाँ बीइंग है तो ये एंजॉयिंग था, ठीक है। अब रीडिंग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रीडिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। रीडिंग यहाँ पे आप बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं कि रीडिंग को वो समझते हैं कि ये वर्ब है, ये वर्ब है, बट इट इज़ परफॉर्मिंग एज अ नाउन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एंजॉय ये वर्ब है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि मेरी इज एंजॉइंग द रीडिंग, इस तरह से आपको लिखना है, इज बी इज रीडिंग। तो देखते उसका एक्टिव वॉइस कैसे होगा, यहाँ एंजॉइंग ये वर्ब है और रीडिंग जो है वो नाउन है, ये ध्यान में रखना है। देन द टाउन हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द टाउन हैड बीन डिस्ट्रॉयड, बीन हो गया, हैड बीन डिस्ट्रॉयड आ गया, मतलब ये परफेक्ट पास्ट का ही एग्जांपल है, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए क्या करना है, बीन को निकाल देना है, हैड डिस्ट्रॉयड इतना ही रहेगा, फायर को इधर लाना है, टाउन को उधर रखना है, इसलिए क्या होगा, फायर हैड डिस्ट्रॉयड द टाउन, इसमें से बीन निकल जाएगा, बाय निकल जाएगा, ये दो चीज़ें निकल जाती है, सीधे सीधे वैसे ही आएगा, फायर हैड डिस्ट्रॉयड द टाउन। लास्ट का एक फोर्थ नंबर, द रूम विल बी क्लीन बाय जॉन एवरी सैटरडे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, रूम, और एवरी सैटरडे जो मैंने आपको बताया कि टू मी बाय जॉन, तो ये इस तरह से भी हो सकता था, द रूम विल बी क्लीन एवरी सैटरडे बाय जॉन, इस तरह से भी हो सकता था, और बाय जॉन एवरी सैटरडे ये भी हो सकता था। तो एवरी सैटरडे उसको लास्ट में रखना है, उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसा का वैसा रखेंगे, और क्या करेंगे हम, जॉन को सब्जेक्ट बनाएंगे, मीन्स वॉट, जॉन विल, अब विल बी है, जिस तरह से यहाँ पे बीइंग निकाल दिया हमने, तो वैसे ही यहाँ से बी ऑलरेडी निकल जाएगा, जॉन विल क्लीन द रूम एवरी सैटरडे, इस तरह से होगा, रूम वहाँ क्लीन के बाद आ जाएगा। नाउ सी हियर लाइक दिस, जॉन विल क्लीन द रूम एवरी सैटरडे। द लास्ट वन, मैंगो वॉज ईटन बाय प्रशांत। अब मैंगो वॉज रिटन बाय प्रशांत का सिंपल है कि प्रशांत इधर आएगा, मैंगो उधर जाएगा, वेरी सिंपल इट इज, प्रशांत एट, यहाँ पे सिंपल वॉज होने की वजह से सिंपल पास्ट का, जो पहले वाला हमने देखा था यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट का है, तो इस तरह से ये सिंपल पास्ट का हो जाएगा, प्रशांत एट मैंगो, इतना ही ये सेंटेंस आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये सारी प्रैक्टिस अच्छी तरह से लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे आपके सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स जो होंगे आपके दिमाग में, जो कुछ भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे निकल गए होंगे, एंड मे बी इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, एंड दिस विल हेल्पफुल टू योर एग्जाम, एंड यू कैन लर्न मोर एंड मोर थिंग्स फ्रॉम दिस चैनल। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।